नमस्ते, आप लोगों को सिविल डिजाइन एंड बिल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग बने रहिए हम इस चैनल के साथ, और फर्दर अपडेट भी इस चैनल में हम रेगुलर अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। हम लोगों का ये बाउंड्री वॉल का वर्क चल रहा है, जहाँ पर 3 लाख के बजट में 35 मीटर बाउंड्री वॉल बनाना है, और उस हिसाब से अभी जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन का रेट सब बढ़ा है, उस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव वे में और स्ट्रेंथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, उस हिसाब से हम लोग बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन और उस हिसाब से करने जा रहे हैं। अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को ट्रेंच को इसकावेट कर लेना है। सबसे पहले ट्रेंच इसकावेशन, जैसे कि आप ये 250 mm का वाल है, उस हिसाब से इसके साइड में ज़्यादा नहीं, इस साइड में 1 फीट और उस साइड में 1 फीट, उस हिसाब से इसकावेट करना है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, उसको काम करने के लिए आसान हो कहीं के वो किया हुआ है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर और उसके बाद ऐसे नीचे से जब स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले नीचे का ज़मीन का लेवल एक लेवल में होना चाहिए। एक लेवल में होता है तो डिफरेंशियल सेटलमेंट आपको नहीं होगा, और एक लेवल में करने के लिए जैसे कि देख सकते हैं वहाँ से यहाँ तक एक लेवल में हम लोग कर लिए हैं, और लेवल चेक करने के बाद सोलिंग करके, और इसमें क्या किए हुए, जहाँ जहाँ पर भी हम लोग का कॉलम है वो कॉलम का इसकावेशन ब्रिक वॉल वाला पोर्शन से ज़्यादा किए हुए हैं। और जैसे देख सकते हैं इसके ये टॉप लेवल यहाँ पर आ रहा है, और उससे नीचे जैसे कि सोलिंग है यहाँ पर नीचे सोलिंग है, उसके बाद ये इसका बेड जो है 8 इंची है, और उसके बाद ये जो है ट्राइपोजिटल सेक्शन है, एक पिरामिड शेप का है, पिरामिड शेप का फ्रोस्टम जो है, जिसको हाथी पाइला नेपाली में बोलते हैं, और हिंदी हम आपको इसमें फ़ोटो भी अटैच कर देंगे। 1h/3 a² + b² + a × b, ये फॉर्मूला होता है, और उस हिसाब से बाकी एक्सप्लेन आपको फ़ोटो में मिल जाएगा। और हिसाब से देख सकते हैं नीचे यहाँ पर सोलिंग करने के बाद हम लोग M10 का 1:3:6 का यहाँ पर PCC किए हुए, ये रिच मोटर नहीं, 1:3:6 सिर्फ लेवल मिलाने के लिए पर्पस से दिया जाता है। और ये 3 इंची का है हम लोग का ब्रिक, फर्स्ट लेयर ऑफ ब्रिक, आफ्टर दैट 3 इंची PCC 1:3:6, उसके बाद जो है हम लोगों का ब्रिज का हाइट 90 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर में यहाँ पर जो है वही प्लिंथ बैंड, DPC बैंड या फिर बीम दे सकते थे, पर हम लोग इसमें फिलहाल बैंड दिए हैं 2 रॉड और स्टीरअप दे के दिए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं एक लेवल में कर दिए हैं, और उसी हिसाब से यहाँ कॉलम सब भी हर एक 10-10 फीट के स्पेसिंग में कॉलम दिए हुए हैं हम लोग, और उस कॉलम में 10 mm का सरिया है, 4 सरिया और 7 mm का स्टीरअप है, जैसे आप लोग देख सकते हैं स्टीरअप जो है इसका जो एक्सिस है 135 डिग्री, यहाँ से जो चेक करेंगे तो 135 डिग्री है एक्सिस का, और जो कि एकदम ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं किए हुए, नहीं तो जहाँ हम लोग देखते हैं कि ये सीधा रहता है 90 डिग्री में, जो कि एकदम बहुत बड़ा फॉल्ट किया रहता है, और ये जो है 135 डिग्री में, और ये जो है 75 mm होना चाहिए, 75 mm ही है हम लोगों का, 3 इंची है देख सकते हैं, और ये इसमें क्या है, यदि आपका माइल्ड स्टील 415 का जब होता है तो आप लोगों को क्या करना है, 8 mm का देना है, नहीं तो यदि 5 से TMT का है तो 7 mm दे सकते हैं, हम लोगों को कोड में भी ये प्रोविजन दिया हुआ है। और कॉलम का डंडी तो वैसे मिनिमम 12 mm होना चाहिए, और ये जो बाउंड्री वॉल का है यहाँ पर कोई एक्सियल लोड नहीं आएगा, इस हिसाब से 10 mm का भी काफ़ी है, इस हिसाब से 10 mm का काफ़ी है, और एक लो कॉस्ट में भी कम बजट में हम लोग को ज़्यादा काम कराना है और अच्छा काम कराना है, इस हिसाब से हम लोग ने इस हिसाब से किए हुए हैं। और बाकी जानने के लिए इस सिविल डिज़ाइन एंड बिल्ड को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू।